हे गाइज, इट्स मी हैरी। और गाइज, हमारा जो है अमेज़ॉन से एक पार्सल आया हुआ है। हमने एक गैजेट मंगाया था, तो हमारा गैजेट डिलीवर हुआ है। तो आज हम इसको अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और इसका टेस्टिंग करने वाले हैं, और टेस्टिंग करके आप लोग को भी दिखाने वाले हैं। तो चलिए गाइज, जल्दी से इस गैजेट का अनबॉक्सिंग करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले हम इसके पैकेट को खोल लेते हैं। बड़ी ही सावधानी के साथ। तो गाइज, हमने पैकेट खोल लिया है। अब इसके अंदर कुछ प्लास्टिक में लपेटा हुआ है, तो हम इसे निकालते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो गाइज, इतना सारा प्लास्टिक खोलने के बाद हमें इसके अंदर से इतना छोटा सा गैजेट मिला है, तो हम इसको साइड में रख देते हैं, हमारे किसी काम का नहीं है। तो गाइज, ये है एक 400,000 वोल्ट का जनरेटर। तो गाइज, ये गैजेट दिखने में जितना छोटा है, ये उतना ही कमाल का है। तो चलिए गाइज, जल्दी से इस गैजेट का टेस्टिंग करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं कि ये गैजेट क्या करता है। गाइज, ये गैजेट जो है, ये 4-5 वोल्ट के डीसी करंट को लेकर जो है 400,000 वोल्टेज तक बढ़ा देता है। तो इसे हम अपने जो है नॉर्मल अडाप्टर से जोड़ेंगे, जोड़ कर देखेंगे कि ये कितना वोल्ट जो है जनरेट कर लेता है। तो गाइज, हमने इसे सप्लाई देने के लिए एक नॉर्मल अडाप्टर ले लिया है, जो घर में पड़ा हुआ था पुराना, उसे ले लिया है और उसके वायर को कुछ इस तरह से काट लिया है, लीड को। और हमारे पास जो है एक एक्सटेंशन बोर्ड है, हम इसको इसमें लगाएंगे और इसे इसमें सप्लाई देंगे और देखेंगे कि ये कितना वोल्टेज जो है जनरेट कर लेता है। तो गाइज़, अब मैं इसको कनेक्ट करने वाला हूँ। तो मैं जब तक इसे कनेक्ट करता हूँ, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन ज़रूर से दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस आगे भी मिलती रहे। तो गाइज़, हम सबसे पहले जो है इसका जो रेड वायर है, उसको इस गैजेट के रेड वायर से कनेक्ट कर देते हैं। अब गाइज़, हम अडाप्टर के ग्रीन वायर को इसके ग्रीन वायर से कनेक्ट कर देते हैं। तो अब गाइज, हमारा गैजेट जो है पूरी तरह से रेडी है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों वायर को थोड़ा गैप बनाकर पास पास में रख लेते हैं और अपना जो है अडाप्टर है इसे इस बोर्ड में फिट कर देते हैं। तो हमने गाइज अडाप्टर फिट कर दिया। हमारा स्विच जो है पहले से ही चालू था, तो अब हमने इसे फिट कर दिया। अब देखते हैं कि इसमें कितना वोल्टेज जो है प्रोड्यूस हो रहा है। तो गाइज, इसमें बहुत ही ज़्यादा करंट है, इसलिए मैं इस कटर की सहायता से, क्योंकि ये प्लास्टिक का बना हुआ है इसलिए इसकी सहायता से वायर को थोड़ा सा पास लेके जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या होता है। तो गाइज, आप देख सकते हैं इसे, मैं जब पास ला रहा हूँ, मैं इसे कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ये इसमें कितना ज़्यादा गैप है, फिर भी ये कितना ज़्यादा स्पार्क कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं गाइस कि इसमें कितना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस हो रहा है। आप देख सकते हैं इसमें कितना ज़्यादा गैप है, फिर भी ये कितना ज़्यादा स्पार्क कर रहा है। गाइस, ये गैजेट जो है पटाखे फोड़ने वाली मशीन में काम आता है और टेस्ला कॉइल में भी काम आता है। तो गाइज, हम जैसे ही वायर्स को पास पास ले जाते हैं, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा स्पार्किंग होता है। तो हम क्या करेंगे गाइज, हम दोनों वायर्स को जो है बिल्कुल पास पास रखेंगे और कंटिन्यूस इसमें जो है सप्लाई देकर देखते हैं कि ये कैसे स्पार्क करता है। तो गाइज, हमने अब वायर्स को काफ़ी पास पास रखा है, तो अब हम इसमें सप्लाई देकर देखते हैं। वो गाइज, आप लोग देख सकते हैं इसमें कितना ज़्यादा स्पार्किंग हो रहा है और ये कितना तेज स्पार्किंग हो रहा है ना गाइस, बिल्कुल कमाल का। वो आप लोग देख सकते हैं गाइस, ये छोटा सा गैजेट जो है कितना कमाल का है। तो जैसा कि मैंने बताया आप लोग को गाइस कि ये गैजेट जो है टेस्ला कॉइल में काम आता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं टेस्ला कॉइल पर भी वीडियो बनाऊं, मैं आप लोग को टेस्ला कॉइल बनाकर दिखाऊं और ये बताऊं कि टेस्ला कॉइल होता क्या है, तो आप वीडियो के कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं कि आप टेस्ला कॉइल पर वीडियो देखना चाहते हैं कि नहीं। तो गाइस, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए।